सरपंच रितेश जैन का हुआ अपहरण, व्यापारियों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने 3 पर किया मुकदमा दर्ज। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिदसा जिले के पठारी क्षेत्र में पहली बार अपहरण की घटना सामने आई है। जांच पोल सरपंच की दिन दहाड़े अपहरण करने की घटना क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, जिसके विरोध में पठारी के व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर चक्का जाम कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया। पुलिस सरपंच और आरोपियों की तलाश में है। वहीं परिवार ने फिरौती के लिए अपहरण का आरोप लगाया है और बड़ी घटना की आशंका जाहिर कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह लगभग 10 बजे पठारी निवासी ग्राम पंचायत जांच पोन के सरपंच रितेश जैन का ग्राम जमुनिया के पास पठारी खुराई मार्ग पर अपहरण हो गया है। बताया जा रहा है कि एक सफेद रंग की 4 पहिया वाहन में सरपंच रितेश जैन को जबरदस्ती 4-5 लोग अपहरण कर ले गए, जिसकी जानकारी लगते ही समाज एवं अन्य समाज के लोग थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद प्रतिष्ठान बंद कर फार्म चौराहा पर चक्का जाम कर दिया गया। लगभग 1 घंटे से अधिक देर तक फार्म चौराहा पर चक्का जाम चलता रहा। पुलिस और अधीक्षक दीपक शुक्ला ने SDOP ललित डोंगोर को मौके पर भेजकर 3 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी रुद्राज सिंह ने बताया कि जमुनिया निवासी कल्याण सिंह यादव, चौपड़ा निवासी मूंगलाल यादव और बलराम सिंह यादव पर अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया है। अपहरित सरपंच रितेश जैन की पत्नी अमृता जैन ने बताया कि रितेश जैन लगभग सुबह 9 बजे घर से ग्राम जमुनिया के लिए निकले थे। पति अमृता जैन ने बताया कि हनोता बांध प्रहित परियोजना में कृषि भूमि डूब में आई है, जिसका मुआवजा मिला है। अपहरण बड़ी फिरौती के लिए किया गया होगा, जिन्होंने रितेश की जान को खतरा बताया है। चक्का जाम के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। इसी दौरान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुभाष बोहत भी मौके पर पहुंचे थे। बिदसा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।